कुछ बोल नहीं, आपके अंदर क्यों घमंड है इतना बड़ा घर ओन करके? घमंड? हाँ, घमंड क्यों नहीं आया? घर कहाँ है हमारा? अबे जाओ। स्वागत आप सबका फिर से एक और बहुत ही कमाल एपिसोड में। आज मैं आया हूँ लिरिक्स अकेडमी में घर से निकलते हुए, इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मुझे लेट हो गया था काफ़ी उठने में, तो मुझे यहाँ पे आना भी था फटाफट, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। लिरिक्स अकेडमी में इसलिए आया क्योंकि मुझे एक शूट करना है आज। दो डांसर्स हैं लखनऊ के, बहुत फाइन डांसर्स हैं, बहुत पुराने डांसर्स हैं एक्चुअली। एक जो डांसर है उसमें से वो मेरा टीचर भी रह चुका है एक्चुअली। आई वॉज एन डांसर, मतलब मैं भी पहले डांसर था, मैंने छोड़ दिया सम, वो बाद में कभी कर दूँगा। अभी फिलहाल इन लोगों को शूट करते हैं, उसके बाद फटाफट निकलते हैं। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ भी है, वो मुझे देनी है, उसके बाद मैं आपको घर पहुँच दूँगा। ये दोनों वो डांसर्स हैं। हेलो, इंट्रोडक्शन दे दिया। हाय, सलाम अलैकुम। आप लखनऊ में? रवि शर्मा। ये बहुत ही अच्छा बंदा है जो हम लोग का शूट करने वाला अभी हो जाएगा। ये बन गई है, ये उड़ के दिखाएगी अभी। माय नेम इज वंशी सिंह। अभी उड़ के दिखाएगी अभी। और बहुत ही लेट लगती बंदा है ये। और कौन? मैं? हाँ, क्यों? हाँ, तुम बस तुम को। क्यों? मैं क्यों? क्योंकि टाइम से नहीं आते। टाइम से फोन नहीं उठाते क्या करें, लोकेशन मिलने ही नहीं है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? लेट अतीब बोला था आपने, आपने मुझे लेट अतीब बोला था। गाइस, हम लोग का पैकअप हो चुका है। पैकअप इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग की जो लोकेशन थी इनको देख लीजिए ढंग से। इधर घूमिएगा एक मिनट, एक मिनट इधर। अच्छा, चश्मा लगा लो। इनको देख रहे हैं, इनकी लोकेशन जो थी वो फाइनल नहीं थी पहले भी, और उस चक्कर में हम लोग का मतलब क्या बोले, टाइम तो नहीं। चलो ठीक है, सब कुछ होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगली बार उस अच्छे और उससे अच्छी लोकेशन मिल जाए तो तब तक के लिए चलते वहाँ पे मिलते। वो है नहीं, उनको कैसे दिखा? फोटो है? भैया वैसे ये बन कह रहा है चेक पूरा घर। जय हो हाइड्रा। इतना बड़ा घर ओन करके आपके अंदर घमंड क्यों नहीं आया? कुछ बोल नहीं, आपके अंदर क्यों घमंड नहीं आया इतना बड़ा घर ओन करके? घमंड? हाँ, घमंड क्यों नहीं आया? घर कहाँ है हमारा? अबे जाओ, आप बताइए। क्योंकि हमारी एकेडमी बेसमेंट में ना, हम डाउन टू अर्थ हैं। अरे पीछे वो बुक शेल्फ वगैरह बहुत सही आएगा।
अरे कोई नहीं, स्पेस कैमरे के लिए वो लंबा है तो कैमरे में वो आ जाए। अबे भैया तुम डांसर नहीं है क्या, ऐसे मत बोलो। लोकेशन फाइनलाइज हो गई, मेरे लोकेशन फाइनलाइज हो गई, हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे जो अभी आपने देखा। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लोग के अंदर घमंड क्यों नहीं आ रहा इतना बड़ा घर देने के बाद भी। ये है हमारी लोकेशन जहाँ पे हम शूट करने वाले हैं। अभी मैं आपको पूरी व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस तब से ये चौथी बार तैयार होने जा रही है। अभी फिर भी तैयार होना है। फाइनली हमारा वेन्यू कंफर्म हो गया है, आप देखना चाहोगे एक बार तो मैं दिखा देता हूँ। ये चेंज करने मैं तब तक आपको यहाँ पे मतलब जिस फ्लोर पे मैं हूँ वहाँ पे रूम दे देता हूँ आपको। चलो फिलहाल चलते हैं। ये एक रूम है जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं, वो साइड में मेरा कैमरा रखा हुआ है। और इनको अभी भी शायद वॉशरूम नहीं मिला है यहाँ पे, इतनी बड़ी भूल भुलैया है। मैं मेरा कैमरा एक मिनट बंद कर दूँगा वरना। घुमा के रखो ज़्यादा अच्छा है वरना लोग गलत समझ लें। इनको वॉशरूम नहीं मिला तो आपने स्टूडियो को वॉशरूम बना दिया, ठीक है। आपको मैं दरवाजा दिखाता हूँ यहाँ का कितना बड़ा है। दरवाजा देख रहे हैं, अभी तो मेरे हाथ से छोटा लग रहा है, अभी मैं नीचे से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और ये देखिए आप सिर्फ डेकोरेशन देखिए, ओह माय गॉड, मतलब मेरे घर के पास ही इतना बड़ा घर बन रहा है। मतलब मैं अंदर घुसा तो मुझे लग रहा है कि होटल है, उनसे पूछा तो लेकिन नहीं बेटा ये घर ही है। बताइए सर शूट कर लेते हैं। चलो शूट के बाद मिलते हैं, बाय। लड़ाई हो रही है लोगों में, लड़ाई 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 मार रहे कि बीमार में। हो चुका है पर अभी भी महादा बच्चा हुआ है, वो भी बज रहे शाम के 5 जो मुझे दूसरी जगह पे जाना था। तो मुझे नाचने का शौक है, इन्हें हाँ सॉरी मैं छोड़ चुका हूँ। जैसा कि मैं बोल रहा था कि आधा शूट बचा हुआ तो आधा शूट हम लोग यहाँ पे करेंगे इस गार्डन में, पर धूप इतनी तेज है कि धूप आ गई, अभी धूप ही नहीं आ रही मेरे ऊपर। आ गई धूप, आ गई इधर से उधर लेना, मतलब हम कैमरा यहीं लगाएंगे, यहाँ आप लोगों को लाइट में रहना पड़ेगा। शूट नहीं हो चुका है, हम लोग वहाँ से वेन्यू छोड़ चुके हैं। एक्चुअली बीच में मैंने शूट किया था पर वो शूट एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने रिकॉर्ड करना ही शुरू नहीं किया और मैं बोलता चला गया। लास्ट में जब सब लोग चले गए तब मैंने कहा रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, तो वो देखा कि वो ऑलरेडी बंद थी, तो मुझे पता है लगी वो शूट ही नहीं हुआ था। फिर क्या था, फिर वहाँ से हम लोग निकले, फिर यहाँ पे मुआ दुला, यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी। अब मैं बाइक उठाऊँगा, दूसरे वेन्यू पर जाऊँगा जहाँ पे आ रहा है आपका स्पेशल गेस्ट, उससे मिल के बात करेंगे, इंटरव्यू लेना है उनका मुझे, और उसके बाद वापस घर आएँगे। बहुत हालत ख़राब हो गई यार। चलो ठीक है, आप चलते हैं वहाँ पर मिल के आपको दिखाता हूँ स्पेशल गेस्ट है कौन।